होती है तो हर किसी की जुबान पर नाम सामने आता है दबंग खान सुपरस्टार सलमान खान का। वैसे तो आप भी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की बात है, जब बॉलीवुड की बिंदास एक्ट्रेस काजोल ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अगर 500 करोड़ के क्लब में शामिल होनी है किसी फिल्म को तो उसमें सलमान खान का होना कितना ज्यादा जरूरी बन जाता है। पर काजोल का कहना था कि फीमेल लीड नहीं बल्कि सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स ही हैं जो कि 500 करोड़ की कमाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए लेकर आते हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे इस लिस्ट में तो सलमान खान का नाम आज नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से लगातार टॉप पर रहा है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे लेकर आना है वो अच्छे से जानते हैं, जिनके स्टारडम का असर उनकी फिल्मों की कमाई पर पड़ता है। उम्मीद है हमें कि भारत फिल्म जो ईद पर रिलीज होगी इस फिल्म में ही सलमान खान का वही जलवा बरकरार रहेगा, वही जादू फैंस पर चलेगा। फिलहाल वक्त आ गया है इस प्रोग्राम की शुरुआत करने का। जी हाँ, आज इस खास खबर के साथ नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से मैं तृप्ति आपको देने वाली हूँ एक और बड़ी खबर। खबर ये है कि वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पर वो वीडियो जिसमें खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने कही है यही सारी बातें अपनी ही जुबान से। सलमान खान की तारीफ में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो सच में इस बात की गवाह है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए सलमान का होना कितना जरूरी है। खुद अक्षय ने बताया कि बॉक्स ऑफिस कैसे लेकर आना है ये सलमान खान से बेहतर कोई भी नहीं जानता। मतलब आप समझ गए होंगे कि वाकई में अक्षय कुमार ने जो कहा है इसमें कोई भी दोहराए नहीं। अक्षय और सलमान की दोस्ती इसलिए तो आज भी गहरी है जिन्होंने इस मार खान में साथ काम किया, फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस किया सलमान खान के साथ, जिन्होंने फिल्म मुझसे शादी करोगी की जानी मन फिल्म की, दोनों को कई फिल्मों में साथ स्क्रीन शेयर करते देखा गया है और उम्मीद है कि जल्द ही सुपरस्टार की ये जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे को देखने के मिले। वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक और बात बता दें, सलमान खान ही नहीं बल्कि अक्षय कुमार भी इस बार 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए फिल्म 2.0 में नजर आएंगे जिसमें उनका रोल तो विलन वाला होगा। लेकिन हाँ, सोशल मेशेज के साथ इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं अक्षय, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं शंकर, प्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर। देखना होगा ये फिल्में किस तरह धमाल करती है एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में। तब तक के लिए देखते रहे आप हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।